जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, हुर्रियत नेता 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 जवाब दो, 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 हुर्रियत नेता जवाब दो, 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 हुर्रियत नेता जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, हुर्रियत नेता जवाब, जवाब दो, 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 हुर्रियत नेता जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, हुर्रियत नेता जवाब दो, मेहरबान बनते हैं, हौसलदार बनने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं, लेकिन ये लोग किस तरह से कश्मीर के युवाओं को पाकिस्तान में एमबीबीएस की सीट दिलाएंगे। और आज वही नेता जो है खत्म होने के बाद जो है वो सीधे तौर पर जो है उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। ये लोग कहीं ना कहीं हुर्रियत नेताओं के निकाब को खोलने का प्रयास कर रहा हूँ। एमबीबीएस इंजीनियर के नाम से पैसे लिए और वही पैसा हथियार खरीद करके कश्मीरियों को मारा। कश्मीरियत को मारने वाले हुर्रियत के नेता और टेरर फंडिंग का पैसा जो मदरसों के लिए आया उसका प्रयोग इस सारे कार्य के अंदर करा। आज महबूबा मुफ्ती जो पाकिस्तान की बात करती थी, ये सारी गेम पाकिस्तान के माध्यम से खेली गई है और पाकिस्तान ने ये राग रचा। करोड़ों रुपया एमबीबीएस इंजीनियर के नाम से कश्मीर के बच्चों से खाया गया। कहते हैं कश्मीरियत को जिंदा, पैसे लेकर के जिंदा रखोगे कश्मीरियत को, और उन्हीं पैसों से हथियार खरीद करके कश्मीरियों को मारा। और महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान का नाम लेने वाली, आज वो बताए कि पाकिस्तान उन हथियारों को चला करके कश्मीरियों को मार रहा है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग मर रहे हैं, ये कश्मीरी हैं, और आज इनका निकाब खुल गया है। अब इनको तिहाड़ जेल जगह है और उससे पहले आगे नहीं आने देना। तिहाड़ जेल में बंद करो और इनका रोटी पानी बंद करें और कश्मीरी सोचें जो उनको मार रहे हैं उनके विषय के अंदर उनको कौन सा कदम उठाने का प्रयास करना होगा।